अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा राज देख पुष्पा देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी ये फिल्म? अल्लू अर्जुन जिस फिल्म में हो और वो सुपरहिट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऊपर से उसमें रश्मिका मंदाना है तो टॉपर चेरी ऑन द केक है। और अल्लू अर्जुन को एक्शन करते देख तो हमें पसंद आता है, लेकिन उनका जो डांस है मतलब सीटियाँ तो बजनी ही है। एंड ओवरऑल अल्लू अर्जुन को मतलब पूरी फिल्म अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन ही है। अच्छा, पार्ट वन है ये, तो कुछ ऐसा कोई की पॉइंट है कि हाँ पार्ट टू के लिए इंटरेस्ट बढ़ पार्ट गया? टू पार्ट थ्री जितने भी बने, बहुत सारे मतलब पार्ट्स अगर बने भी तो सबके लिए हम लोग एक्साइटेड है, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने जो तड़का लगाया है और रश्मिका मंदाना ने जो तड़का लगाया है इस मूवी में, और जो एक्शन सीन्स है स्पेशली जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आई होप कि हाँ पार्ट टू पार्ट थ्री लोगों को पसंद आएगी। अच्छा, रश्मिका और अल्लू अर्जुन की जोड़ी कैसी लगी आपको, रश्मिका केमिस्ट्री? और अल्लू अर्जुन पूरी फिल्म में तो वही है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो रश्मिका मंदाना ने जो एक नॉर्मल जो एक लड़की का किरदार निभाया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ग्लैमरस लुक नहीं है और वो ऐसे पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। क्या लगता है आपको ये फिल्म कितना धमाल हो सुपर जाएगी, हिट, सुपर हिट होगी। तो आप रेकमेंड करना चाहेंगे लोगों को? यस जरूर जाइए देखिए, अल्लू अर्जुन और रश्मिका के फैंस तो है ही। साथ में समांथा केनेनी का एक सॉन्ग भी है तो वो भी आपको ज़्यादा पसंद आएगा। सो गो आउट एंड वॉच ऑफ इट। 5 कितना दे रहे फोर हो? फॉर श्योर। ओके, थैंक यू। फाइनली अल्लू अर्जुन की फिल्म आप देखकर आ रहे हैं पुष्पा, कैसी लगी आपको? काफ़ी अच्छी लगी मैम। परफॉर्मेंस की बात करो, ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस पे नो डाउट बहुत अमेजिंग रहती, लेकिन इस कैरेक्टर में कैसे लगे? वो काफ़ी अलग यूनिक कैरेक्टर है उनका, और ये आप पहली बार उनका कुछ अलग रोल देख रहे हैं। काफ़ी इसमें एक्शन कुछ अटके किया है उन्होंने, और ये चंदन की लकड़ी की चोरी, उसको मतलब अलग अलग जगह पर बेचना, वो सब काफ़ी अलग ही है। रश्मिका और अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री, उनकी परफॉर्मेंस, और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कॉमेडी है और कुछ अलग ही है, रोल ही अलग है। आपने कभी देखा नहीं होगा वैसा रोल है, स्टोरी अलग है। ओके, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिल्म के जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखने के बाद एक्साइटमेंट कितना बढ़ गया सेकंड पार्ट के? सेकंड पार्ट में और एक्शन हो सकता है, इससे बेटर हो सकता है। अच्छा, तो आउट ऑफ 5 कितना देना चाहेंगे? 5 दूंगा। 5 में से 5। अच्छा, अल्लू अर्जुन के लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? अल्लू अर्जुन के लिए झुकूंगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइनली अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा आ चुकी है, आपने देखी, कैसी लगी आपको पुष्पा? रिएक्शन बहुत अच्छी, एकदम टू द पॉइंट थी। साउथ का रीमेक है थोड़ा, मतलब साउथ का पूरा टच है जी, लेकिन है ना कहीं भी लगा नहीं कि जबरदस्ती का कुछ डाला है या मतलब कोई भी, यानी गाने भी साउथ स्टाइल के ही हैं, जैसे कि हम लोग को पहले कमल हसन की फिल्मों में देखने को मिले थे, लेकिन खुद ओवर एंड ऑल पिक्चर में कोई भी गलती नहीं है। मैं तो बोलती हूँ नेशनल अवार्ड के लिए है फिल्म, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है, पिक्चर पूरी टू दी पॉइंट है और सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। अल्लू अर्जुन तो मतलब एकदम ही कमाल, वो टकले जो इंस्पेक्टर लास्ट में है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, हीरोइन रोल की सबसे एकदम फिट है, हीरोइन भी बहुत अच्छी लगी रश्मिका, तो ओवर एंड ऑल मतलब कहीं कमी नहीं लगी मुझे। अच्छा, फिल्म पार्ट वन देखने के बाद अब पार्ट टू के लिए एक्साइटमेंट कितनी है? मुझे वही अच्छा लगा कि जो नहीं, तो ज़्यादातर पिक्चरों में क्या होता है कि आदमी क्रिमिनल है लास्ट में मर जाता है कहानी खत्म, लेकिन ये जो कंटिन्यूटी दिखाई ना तो लोगों का इंटरेस्ट हमें दिखा है। तो आउट ऑफ 5 आप कितना देना चाहेंगे? 4। 4 रेकमेंड करेंगे लोगों को? ऑफ कोर्स, एक बार तो देखने लायक है ही। ओके, थैंक यू। फाइनली मच अवेटेड फिल्म अल्लू अर्जुन की पुष्पा देखकर आ रही है, क्या रिएक्शन है पहले तो ये जानना चाहूंगी। फिल्म के बारे में अगर बात करें, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग जो खुद डायरेक्टर ने लिखे हैं, क्या जबरदस्त है फिल्म, इतनी जबरदस्त। मैं खास तौर पर जो एक्शन फिल्म होती हैं साउथ की वो बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अति होती है, बहुत ज़्यादा एक्शन के नाम पे मार धाड़ खून खराबा सब कुछ होता है, लेकिन ये फिल्म इतनी बढ़िया थी। लाल चंदन पर जो की तस्करी पर जो आधारित ये कहानी है, उसमें जो पुष्पा का रोल है उसे अल्लू अर्जुन ने इतने अच्छे से साकार किया है, उसके साथ जो दूसरे कलाकार हैं वो भी बहुत अच्छे रहे, साथ में रश्मिका ने जबरदस्त ट्रीटमेंट की है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा फिल्म, मैं इसको 4 से कम बिल्कुल नहीं।
4 से कम नहीं थी। अच्छा ये बताइए, रश्मिका और अल्लू अर्जुन की ये जो केमिस्ट्री है, हमने ट्रेलर में तो देखी लेकिन पूरी फिल्म में आपको उनकी केमिस्ट्री कैसी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सॉन्ग्स भी इसके जो थे वो, चूँकि ये देसी फिल्म है और बहुत देसी कैरेक्टर की कहानी है, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है तो गाने के जो बोल थे वो भी उसके कैरेक्टर के साथ मैच कर रहे हैं जी। अच्छा, इस फिल्म को आप सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर या हिट क्या देना चाहेंगे? सुपरहिट। मैं कहानी के बेस पे बोल सकती हूँ कि फिल्म की कहानी बहुत अच्छी थी और अल्लू अर्जुन इस रोल में बहुत जमे, यश को उन्होंने बहुत जबरदस्त टक्कर दी। ओके, अच्छा सेकंड पार्ट के लिए आप कितना एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसमें दिखा रहे हैं कि पुलिस महकमे का जो सबसे बड़ा SP लेवल का आदमी होता है उसके साथ फाइट दिखाएंगे। तो जाते जाते रेकमेंड करना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल देखा जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से थोड़ा मूड खराब हो जाता है। थैंक यू सो मच। पुष्पा फिल्म देखकर आ रहे अल्लू अर्जुन की, कैसी लगी आपको फिल्म? कमाल की बनाई है पुष्पा, 3 घंटे की फिल्म है लेकिन आपको 1 मिनट की बोरियत नहीं होती कि आप फिल्म छोड़ के बाहर जाएं। फुल ऑफ एक्शन फिल्म और अल्लू अर्जुन के जो फैन है दे विल लविंग। अच्छा, रश्मिका और अल्लू अर्जुन की केमिस्ट्री, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी है, लेकिन चूंकि पूरा फोकस फिल्म एक्शन के ऊपर है तो लव को एक डिसेंट स्पेस दी गई है, लेकिन एक्शन पे ज़्यादा जोर दिया गया फिल्म में। ओके, तो आप इस फिल्म के जो गाने हैं उनको लेकर क्या कहना चाहिए? गाने फिल्म एक्शन फिल्म में गानों का इतना गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन चूंकि डायरेक्टर ने 3-4 गाने डाले हैं वो फिल्म के हिसाब से ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर या हिट क्या देना चाहेंगे आप? तेलुगु में पिक्चर ओरिजिनल बनी है, डेफिनेटली आंध्रा में बहुत अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन हिंदी में इसका प्रमोशन नहीं किया बराबर है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ पिक्चर डेफिनेटली अच्छा रहेगा, जो लोग फिल्म देखेंगे उनको निराशा नहीं होगी। रेटिंग? आई विल गिव 3.5। रेकमेंड करना चाहेंगे लोग? डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा, और फिल्म 3 घंटे होने के बावजूद लोगों को इंतजार रहेगा कि इसका पार्ट 2 कब आए। जी, थैंक यू।